अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लिए, 13 एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे ए और एन का यूज कैसे करेंगे। अभी मैं बता रहा था जस्ट ए और एन का यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल है SDO, इसको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होगा, एस से स्टार्ट हो रहा है, इसको हिंदी में क्या होगा, एस, एस है ना, तो एक इसमें आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है, तो इससे पहले क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। इस तरह से हमेशा सही होगा, लेकिन इंग्लिश वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश वाला भी देखते हैं हम लोग, ए बी आई ओ यू, इससे स्टार्ट होने वाले, और बाकी कॉन्सोनेंट वाला बी सी डी, यानी वॉवेल को छोड़ के जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट में आता है, तो इंग्लिश में कैसे गलत होता है, हिंदी में कैसे सही है, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एस से स्टार्ट है, तो देखिए एस तो इसमें नहीं ना है, एस तो इसमें आएगा, यहाँ पे क्या लगेंगे, ए का यूज करते हैं इंग्लिश के अनुसार, लेकिन यहाँ पे एन का यूज होगा, एन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ए आ रहा है ना, ए पहले में आ रहा है, उसके बाद एम एन ए, एम कैसे लिखते हैं हिंदी में, ए लिखते हैं एम, तो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी एन लगाएंगे हम ऑनेस्ट, इसको क्या करते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसे ओ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है, तो इससे पहले एन लगाएंगे, थर्ड नंबर है एन लगाएंगे, तो ऐसे वर्ड देखते हैं। अभी हमेशा गलती करते हैं इंग्लिश में, देखिए एस तो नहीं है इसमें, ऐसे उच्चारण भी नहीं हो रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसमें ए लगा देंगे जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। यूजफुल, इसको क्या बोलते हैं, यूजफुल, तो यूजफुल में हम लोग क्या देखते हैं, तो यूजफुल यू से स्टार्ट होगा, तो यू तो कहीं है नहीं, ए में होगा, का में कहा से लेकर बारह खड़ेगी, तो ए यूज होगा। ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए ओ से स्टार्ट होगा, इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब बॉय, बॉय मतलब ओ से स्टार्ट होगा बॉय, तो बस स्टार्ट है ना, तो इससे पहले हम लोग ए लगाएंगे, ये बॉय का हो गया, ये ऑरेंज वाला का हो गया, एन ऑरेंज, ए यूजफुल, एन ऑनेस्ट, एन एम एल ए, एन एम टी ओ। अब जू का, जू से स्टार्ट हो रहा है ना, जू तो है नहीं, जू तो है नहीं एन में, तो ए लग जाएगा इसमें। राइस का, जब भी हम बताएं इससे पहले कि जो अनकाउंटेबल हो गिना ना जा सके, राइस, इससे पहले ना ही ए का यूज होगा ना ही एन का यूज होगा, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। चेयर्स, ध्यान देना है, चेयर्स है, पुडरल है ना, पुडरल से पहले भी नहीं लगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पेंस, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, अम्ब्रेला है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ई से स्टार्ट है, और बहुत लोग इसे यूरोपियन पढ़ते हैं ई से, तो ई से देखिए ई तो है ना एन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जल्दबाजी में एल लगा देंगे, जो हमारा गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ई साइलेंट होता है हमेशा, इसको यू से प्रोनाउंसिएशन करते हैं यूरोपियन, यू से तो यू तो है नहीं, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लग जाएगा। अगर यहीं पे हमारा एक का बात होता इसे एग, तो हम लोग क्या करते, एग ए से आ रहा है ना, तो इसे पहले एन लगाएंगे, तो ये अंतर है, दोनों तो ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में तो गलत हो जाएगा, हिंदी में सही होगा। यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला, इसमें डिफरेंस देखिए, इसको यूनिवर्सिटी यू से पढ़ते हैं, इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं ना इसको, आ से दोनों का मतलब देखिए, इसको यूम्ब्रेला पढ़ना चाहिए था, लेकिन अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला तो आ आया ना, आ आया तो हम क्या लगाएंगे, एल अम्ब्रेला लगाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी यू आया तो ए लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल थे ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। अगले वीडियो में सेंटेंस में ए और एन का यूज करके बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।